रामायण और महाभारत काल में ऐसे लोग हुए हैं जो आज भी सशरीर जीवित हैं। हर काल में इनके होने के प्रमाण मिलते हैं। अपनी शक्तियों के कारण ये अजर अमर हैं। सतयुग में जामवंत। जामवंत की उम्र परशुराम और हनुमान से भी लंबी है, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। कहा जाता है कि जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा गया है। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। जामवंत जी के त्रेता युग में भी होने के प्रमाण मिले हैं। जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वह बूढ़े हो चले थे। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती की थी कि आप ही समुद्र लांघिए। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत ही उनको याद दिलाते हैं। माना जाता है कि जामवंत जी आकार प्रकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता था। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली चार दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिनमें से एक संजीवनी थी। जामवंत जी ने भगवान राम से युद्ध के बारे में भी बताया है। युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी जब मैं अगला अवतार धारण करूँगा। तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। द्वापर युग में जामवंत। भगवान श्री कृष्ण को सम्मतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। श्री कृष्ण पर इस मणि की चोरी का इल्जाम श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित ने लगाया था। इसी मणि की खोज में श्री कृष्ण एक गुफा में जा पहुंचे, जहां जामवंत अपनी पुत्री के साथ रहते थे। इस मणि को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी। श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम साम रखा गया और यही साम बाद में कृष्ण कुल का नाश का कारण बना। दूसरे हैं हनुमान जी। राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजयश्री प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे और द्वापर में कृष्ण के समय भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी तो वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो